ओम शांति। 20 मई 2022 के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे अपने इस जीवन को कोड़ी से हीरे जैसा बनाना है तो समय को सफल करो, अवगुणों को निकालो, खाने पीने सोने में समय बर्बाद मत करो। प्रश्न, मनुष्यों ने किस एक शब्द से सबको भगवान का रूप समझ लिया है? उत्तर, बाबा कहता इस समय मैं बहु रूपी हूँ, ऐसे नहीं यहाँ जब मुरली चलाता तो परमधाम खाली हो जाता है। मुझे तो इस समय बहुत काम करने पड़ते हैं, बहुत सर्विस चलती है, बच्चों को भक्तों को साक्षात्कार कराना पड़ता है। इस समय मैं बहु रूपी हूँ, इसी एक शब्द से मनुष्यों ने कहा है यह सब भगवान के रूप हैं। दूसरा प्रश्न, बाप की किस श्रीमत को पालन करने वाले बच्चे सपूत हैं? उत्तर, बाबा कहते बच्चे कभी भी डिससर्विस ना करो, टाइम बहुत वैल्यूबल है, इसे सोने में ना गवाओ, कम से कम 8 घंटा मेरे खातिर दो, यह श्रीमत पालन करने वाले सपूत हैं। गीत, तूने रात गवाई सोके। ओम शांति। बच्चों को बाप समझा रहे हैं, बच्चे जानते हैं हम सब बच्चे हैं बाप के। हमारे शरीर का बाप तो है ही शारीरिक, लेकिन आत्मा जो अशरीरी है उसका बाप भी अशरीरी है। बाप ने समझाया है बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा मिलता है, अभी शुरू होता है जो त्रेता अंत तक चलता है। तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो, भविष्य 21 जन्मों की प्रारब्ध लिए, फिर बाद में हद का शुरू होता है, बेहद का पूरा हो जाता है। यह गुह्य बातें हैं ना, जानते हैं आधा कल्प हम हद के बाप से वर्षा लेते और बेहद के बाप को याद करते आए हैं। आत्मा के संबंध में सभी ब्रदर्स हैं, वह है बाप, कहते भी हैं हम आत्माएं भाई भाई हैं। फिर जब मनुष्य सृष्टि की रचना रची जाती है तो भाई बहन हो जाते हैं, यह नई रचना है ना। पीछे फिर परिवार बढ़ता है, काका चाचा मामा सब पीछे होते हैं। इस समय बाप रचना रच रहे हैं, बच्चे और बच्चियां हैं, दूसरा कोई संबंध नहीं है। अब तुम जीते जी भाई बहन बन जाते हो, दूसरे कोई संबंध से तैलुक नहीं है, अभी तुमको नया जन्म मिल गया है। जानते हो हम अभी ईश्वरीय संतान हैं, शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियों का और कोई संबंध नहीं, इस समय सारी दुनिया पतित है, इनको पावन बनाना पड़े। कहते हैं बाबा हम आपके हैं, बाप कहते हैं बच्चे भविष्य के लिए पुरुषार्थ करके अपना जीवन हीरे जैसा बनाना है। सारा दिन सिर्फ खाना पीना, रात को सोना और बाप को याद ना करना, इससे कोई हीरे जैसा जन्म नहीं मिलेगा। बाप कहते हैं शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते, गृहस्त व्यवहार में रहते, कमल फूल समान बनना है। समझते हैं हम कोड़ी से हीरे जैसा, अर्थात मनुष्य से देवता बन रहे हैं। मनुष्यों में तो बहुत अवगुण है, देवताओं में गुण होते हैं तब तो मनुष्य देवताओं के आगे जाकर अपने अवगुण बताते हैं ना। आप सर्वगुण संपन्न, हम पापी नीच हैं। अब बाप कहते हैं अपने से आसुरी गुणों को निकाल, ईश्वरीय दैवी गुण धारण करने हैं। बाप तो निराकार है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, वह सत है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। यह ज्ञान तो बुद्धि में बैठा हुआ है ना, यह है नया ज्ञान, कोई वेद शास्त्रों में यह ज्ञान नहीं है।
अभी जो तुम सुनते हो यह फिर प्राय लोप हो जाता है। अभी तुम जानते हो हम आसुरी गुण वाले मनुष्य से दैवी गुण धारण कर बाप द्वारा देवता बन रहे हैं। पापों का बोझा जो सिर पर है वह बाप की याद से हम भस्म करते हैं। भक्ति मार्ग में तो यही सुनाते आए हैं कि पानी में स्नान करने से पाप भस्म हो जाएंगे, परंतु पानी से तो पावन बन नहीं सकते। अगर ऐसा होता तो फिर पतित पावन बाप को क्यों याद करते? कुछ भी समझते नहीं हैं। समझदार और बेसमझ यह भी एक नाटक बना हुआ है। अभी तुम कितने समझदार बन रहे हो, सारे सृष्टि चक्र को जानते हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना यह भी समझ है ना? अगर नहीं जानते हैं तो उनको बेसमझ कहेंगे ना? अभी तुम बच्चे जानते हो, बाबा ने अपना परिचय अपने बच्चों को दिया है कि मैं आया हूँ तुमको हीरे जैसा बनाने। ऐसे नहीं यहाँ से सुनकर गए, खाया पिया जैसे आगे चलते थे, वह तो कोड़ी जैसी लाइफ थी, देवताओं की हीरे जैसी लाइफ है, वह तो स्वर्ग में सुख भोगते थे, चित्र भी है ना? आगे तुम नहीं जानते थे कि हम ही सुखी थे, हम दुखी हुए, हमने 84 जन्म कैसे लिए, यह नहीं जानते थे। अब मैं बताता हूँ, अभी तुम औरों को भी समझाने लायक बने हो। बाप समझदार बनाते हैं तो फिर औरों को समझाने देनी चाहिए। ऐसे नहीं घर में जाने से फिर वही पुरानी चाल हो जाए, शिक्षा पाकर फिर औरों को शिक्षा दो। बाप का परिचय देने जाना पड़ता है। बेहद का बाप तो सबका एक ही है, सभी धर्म वाले उनको ही पुकारते हैं, हे परम पिता परमात्मा व हे प्रभु। ऐसे कोई नहीं होगा जो परमात्मा को याद नहीं करता होगा। सभी धर्म वालों का बाप एक ही है, एक को सभी याद करते हैं। बाप से वर्षा पाने के सभी हकदार हैं। वर्षे पर भी समझाना पड़े, बाप कौन सा वर्षा देते हैं? मुक्ति और जीवन मुक्ति। यहाँ तो सब जीवन बंद हैं, बाप आकर सबको रावण के बंधन से छुड़ाते हैं। इसमें कोई भी जीवन मुक्त है नहीं, क्योंकि रावण राज्य है, देह अभिमानी है। देवताएं देही अभिमानी होने से जानते हैं हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। सिर्फ परमात्मा को नहीं जानते हैं, परमात्मा को जाने तो फिर सारे सृष्टि चक्र को जान जाए। त्रिकालदर्शी सिर्फ तुम ही हो, ब्राह्मणों को ही बाप पैठ त्रिकालदर्शी बनाते हैं। जब देवताएं भी त्रिकालदर्शी नहीं तो उनकी जो वंशावली आती है उनमें भी यह ज्ञान नहीं रहता, तो फिर दूसरों में यह कहाँ से आएगा? देने वाला भी एक ही है। यह सहज राज्यों की नॉलेज और कोई को हो नहीं सकती। देवी देवता धर्म का शास्त्र भी तो होना चाहिए, तो ड्रामा अनुसार उनको फिर शास्त्र बनाने पड़ते हैं। गीता भागवत आदि सब ऐसे ही फिर बनेंगे, ग्रंथ भी ऐसे बनेंगे। अभी ग्रंथ कितना बड़ा हो गया है, नहीं तो इतना छोटा था, हाथ से लिखा हुआ था, फिर वृद्धि में लाया है। यह भी ऐसे है, इनका अगर ग्रंथ बैठ बनाओ तो बहुत बड़ा हो जाए, परंतु फिर उनको शॉर्ट किया जाता है। पिछाड़ी में बाप दो अक्षर कहते हैं, मन मना भव। मैं तुमको सब वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ तो जरूर नाम तो लेना पड़ेगा ना, फलाने शास्त्र में यह यह है। वह कोई धर्म का शास्त्र नहीं, भारत का एक धर्म है, बाकी वह किस धर्म के शास्त्र हैं कब सिद्ध नहीं कर सकती। भारत का शास्त्र है ही एक गीता, गीता भी सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गाई हुई है। गीता की महिमा तुम एक्यूरेट जानते हो
जिस गीता से बाप आकर भारत को स्वर्ग बनाती है। भारत के शास्त्र को मान बहुत मिलता है, परंतु गीता का भगवान कौन था उनको ना जानने कारण झूठा कसम उठाती है। अब उनको करेक्ट करो, भगवान ने तो ऐसे कहा नहीं है कि मैं सर्वव्यापी हूँ। बच्चे ने प्रश्न पूछा, शिव बाबा जब इधर आते हैं मुरली चलाते हैं तो क्या परम धाम में भी हैं? बाबा कहते हैं इस समय तो हमको बहुत काम करने पड़ते हैं, बहुत सर्विस चलती है, कितने बच्चों को भक्तों आदि को भी साक्षात्कार कराता हूँ। इस समय मैं बहुरूपी हूँ, बहुरूपी अक्षर से भी मनुष्यों ने समझा है सब रूप उनके हैं। माया उल्टा लटका देती है, फिर बाप सुलटा बनाती है। तुम बच्चे अभी मुक्ति धाम में जाने का पुरुषार्थ करती हो, तुम्हारी बुद्धि है मुक्ति धाम तरफ। ऐसा कोई मनुष्य पुरुषार्थ करा ना सके जो तुमको बाप करा रहे हैं। अब अपना बुद्धियोग वहाँ लगाओ, जीते जी इस शरीर को भूलते जाओ। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, फिर भी रोते रहते हैं। बाप के जो सपूत बच्चे होंगे वही बाप के मददगार बन सर्विस करेंगे, वह कभी डिससर्विस नहीं करेंगे। अगर कोई डिससर्विस करते हैं तो गोया अपनी करते हैं। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, यह टाइम बहुत वैल्यूबल है, भविष्य 21 जन्म के लिए तुम कमाई करते हो। तुम जानते हो हमको विश्व की बादशाही मिलती है, कितनी भारी कमाई है, तो उसमें लग जाना चाहिए। बाप को याद करना है, जैसे गवर्नमेंट की सर्विस में 8 घंटा रहते हैं, बाबा भी कहते हैं मेरे खातिर 8 घंटा दो। रात को सोकर अपना समय बर्बाद मत करो, दिन रात कमाई करनी है, यह तो बड़ी सहज सिर्फ बुद्धि की बात है। मनुष्य जब धंधे पर जाते हैं तो पहले मंदिर के सामने हाथ जोड़कर फिर दुकान पर जाते हैं, लौटते समय फिर भूल जाते हैं, घर याद आ जाता है, वह भी अच्छा है, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। तुम बच्चों को कलकत्ते में तो बहुत अच्छी रीति समझाना चाहिए, काली माता का वहाँ बड़ा मान है, बंगाली लोगों की रस्म रिवाज अपनी होती है, ब्राह्मणों को मछली जरूर खिलाती है, बड़े आदमी अपने तालाब बनाए फिर उसमें मछलियाँ पालते हैं तो ब्राह्मणों को भी वह खिलाएंगे। अभी तुम पक्के वैष्णव बनते हो, प्रैक्टिकल में तुम विष्णु की पूरी में चलते हो, ऐसे नहीं कि वहाँ 4 भुजा वाले मनुष्य होंगे। लक्ष्मी नारायण को विष्णु कहा जाता है, 2 भुजा उनकी 2 उनकी। तुम महालक्ष्मी की पूजा करते हो, वास्तव में विष्णु की करते हो, दोनों है ना, परंतु इस समय महिमा माताओं की है। जगत अम्बा का गायन है, लक्ष्मी का भी नाम गाया हुआ है। बाप आकर माताओं द्वारा सबको सदगति देती है, जगत अम्बा वही फिर राज राजेश्वरी बनती है, माँ की पूजा होती है। वास्तव में जगत अम्बा तो एक है ना, जैसे शिव का एक लिंग बनाती है, वैसे फिर छोटे छोटे शालिग्राम भी बनाती है, वैसे काली के भी छोटे मंदिर बहुत हैं। वह जैसे माँ की संतान है, अभी बाप तुमको अपना बनाती है, इसको ही बलि चढ़ना कहा जाता है। तुम बलि चढ़ते हो उन पर, इस ब्रह्मा पर नहीं। तो बाप समझाते हैं अभी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, धंधा आदि भल करो, अगर पैसा काफ़ी है खाने के लिए तो फिर जास्ती माथा क्यों मारते हो। हाँ, शिव बाबा के यज्ञ में देते हो तो जैसे विश्व की सेवा में लगाते हो। बाबा कहेंगे सेंटर्स बनाओ, जहाँ यह बच्चियाँ मनुष्य को देवता बनाने का रास्ता बतावे। यह पढ़ाई कितनी फर्स्ट क्लास है, बहुतों का कल्याण हो जाएगा।
बाप कहते हैं लाख करोड़ कमाओ, परंतु काम ऐसा करो जिससे भारत पावन बने, एवर हेल्दी बने। तुम भविष्य के लिए अभी पूरा वर्षा लेते हो, वहाँ गरीब तो कोई होते नहीं, वहाँ भी अभी की प्रलब्ध भोगते हो, तो इतनी धारणा करनी चाहिए। तुम्हारा एक एक पैसा हीरे समान है, इनसे भारत स्वर्ग बनता है। बाकी जो बचेगा वह तो खत्म हो जाएगा, जो कुछ पैसा बचे इस सर्विस में लगाओ। यह बड़े ते बड़ी हॉस्पिटल है, कई गरीब बच्चे कहते हैं हम 8 आना देते, मकान में ईंट लगा दो। हम जानते हैं यह यहाँ से मनुष्य एवर हेल्दी बनेंगे, यहाँ तो ढेर आएंगे। क्यों ऐसी लगेगी जो कब नहीं देखी हो, तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। हम क्या से क्या बनते हैं, हम शिव बाबा से बेहद का वर्षा लेते हैं। बाप है निराकार ज्ञान का सागर, वह इस रथ में प्रवेश करती है। तो बच्चों को बहुत रहम दिल बनना चाहिए, अपने पर भी और दूसरों पर भी रहम करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, भारत को पावन बनाने की सेवा में अपना तन मन धन सफल करना है। पैसे को हीरा समझ स्वर्ग बनाने की सेवा में लगाना है, व्यर्थ नहीं गवाना है। दूसरा पॉइंट, भविष्य 21 जन्मों की प्रलब्ध बनाने के लिए दिन रात कमाई करनी है, समय बर्बाद नहीं करना है, शरीर को भूलने का पुरुषार्थ करना है। वरदान, अकाल तखत सो दिल तखत नशीन बन, स्वराज्य के नशे में रहने वाले प्रकृति जीत माया जीत भव। विस्तार, अकाल तखत नशीन आत्मा सदा रूहानी नशे में रहती है, जैसे राजा बिना नशे के राज्य नहीं चला सकता, ऐसे आत्मा यदि स्वराज्य के नशे में नहीं तो कर्मेंद्रिय रूपी प्रजा पर राज्य नहीं कर सकती। इसलिए अकाल तखत नशीन सो दिल तखत नशीन बनो और इसी रूहानी नशे में रहो, तो कोई भी विघ्न व समस्या आपके सामने आ नहीं सकती। प्रकृति और माया भी वार नहीं कर सकती। तो तखत नशीन बनना अर्थात सहज प्रकृति जीत और माया जीत बनना। स्लोगन, संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करनी है तो आत्म शक्ति की उड़ान भरते रहो। अच्छा, ओम शांति।